शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हम डेली लाइफ में अपना ये मेकअप कर सकते हैं बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ। तो इस मेकअप को आप कॉलेज गर्ल्स जो होती हैं वो भी कर सकती हैं, और जो ऑफिस जाने वाली लेडीज या फिर लड़कियां होती हैं वो भी इस मेकअप को कर सकती हैं। तो इस वीडियो को देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो या मैंने इस तरह से क्लचर ले लेना है, और ये क्लचर इस टाइप के होगा, इसे मैं अपने बालों में बांध लूँगी ताकि मेकअप करते वक्त कोई भी बाल मुंह पे ना पड़े, इस तरह से मैं बांध लूँगी। तो मैंने यहाँ पे हाफ पोनी ही किया। तो मैंने यहाँ पे एच डी प्राइमर प्लस लिया है मैट, जो कि प्योर इनविजिबल है, फेस प्राइमर है। ये पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्मूथ मॉइस्चराइजिंग करता है और मेकअप को फ्लॉलेस फिनिश देता है। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा लेके अपने फेस पे डॉट 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 करके सारे जगह लगा लूँगी, और जितना भी मेरे हाथ में बचा हुआ प्रोडक्ट है उसे मैं पूरे हाथ में ले करके पूरे फेस में उसे लगाऊँगी अच्छी तरह से, ताकि वो पूरे फेस में एब्जॉर्ब हो सके। इसके बाद आता है फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ जॉनसन्स बेबी क्रीम, जो कि बहुत ही सॉफ्ट रहता है, करता है स्किन को, और पूरा लॉन्ग स्टे है ये। इसे भी अच्छी तरह से लगा लेना है ताकि जितना भी प्रोडक्ट है वो पूरे फेस में एब्जॉर्ब हो सके। अब अगर आप डे टाइम के लिए मेकअप करते हो और बाहर जाना होता है, तो यहाँ पे मैं लैक्मे का सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो कि अल्ट्रा मैट लोशन है, लाइट वेटेड है, नॉन स्टिकी है, ऑल स्किन टाइप है, और ये डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। फिर यहाँ पे आता है बीबी क्रीम लगाती हूँ मैं, लैक्मे 925 का फाउंडेशन क्रीम SPF 30 PA, और ये सब मैं नहीं लगाऊंगी अभी फ़िलहाल, मैं लगाऊंगी यहाँ पर। मैंने लिया है मेबलिन का सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन, जिसका शेड है 320 हनी। तो मैं इस फाउंडेशन को अपने हाथ में निकालूंगी थोड़ा सा वो भी, और मैं इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ कभी भी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट अप्लाई करने से जो चेहरे में वो पैचेस आने लगते हैं, तो मैं कभी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती हूँ। सबसे पहले मैं फेस पे उसे डैब 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 करके डॉट 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 करके उसे अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। अब मैं ऐसे स्पंज की मदद से पूरे फेस में डैब 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 करके स्मर्ज कर दूंगी। ध्यान रहे कि आप डैब 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 करके ही स्पंज की मदद से लगाएं फाउंडेशन। अगर आप ऐसे रगड़ने की तरह लगाएंगे तो आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो मेकअप होगा, वो थोड़ा सा पैची सा लुक होगा, मतलब कि उससे मतलब ना आपका परत निकलेगा। इसलिए हमेशा जब भी आप अगर चाहते हो कि स्मूथ या फिर उसका जो टेक्स्चर है वो एकदम क्लीन हो, तो हमेशा आप डैब 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 करके ही अपने मेकअप को, फाउंडेशन को, अगर आप बीबी क्रीम भी लगाएंगे तो भी उसको इसी तरह से ही लगाना। फाउंडेशन को लॉक करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ जॉनसन्स बेबी पाउडर, की बहुत ही कंफर्टेबल रहता है स्किन पे और बहुत ही लाइट वेट है, और ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है, तो अगर आप पसीना भी आता है ना तो ये उतना मतलब इससे पता नहीं चलता कि आपको पसीना भी आया है। तो ये बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। बाकी आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो फाउंडेशन को लॉक करने के लिए। तो आप देख ही रहे होगे कि जिधर पाउडर इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे पूरा ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि वहाँ थोड़ा सा ऑयली सा लुक हो रहा है। तो इसी तरह से आप फाउंडेशन को लॉक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे चाहिए बहुत ही सिंपल और मतलब एकदम नेचुरल सा लुक चाहिए।
आईलैशेस करने के लिए मैं यहाँ पे अपने लिए यूज़ करती हूँ मेबेलिन का कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा, जो कि इंस्टेंट बिग वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसे रिमूव करके लगाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि वन यूज़ में ही इसके वॉल्यूम दिख जाते हैं और बहुत ही बड़े बड़े दिखते हैं। और मुझे मेकअप प्रोडक्ट में तो में से मस्कारा ही सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं अगर कोई मेकअप भी ना करूँ ना तो भी मैं मस्कारा लगाना बहुत पसंद करती हूँ। इसके बाद आती है लिपस्टिक की। तो यहाँ पे मैं हाफ एंड हाफ का लिपस्टिक यूज़ करती हूँ अपने लिए, जो कि जिसका शेड है 07 कैफे मोशा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ, मैं कोई लिप लाइनर आउटलाइनिंग नहीं कर रही हूँ। मुझे डायरेक्ट लगाना ही पसंद है, मैं कोई आउटलाइनिंग नहीं करती हूँ, डायरेक्ट अपना शेप क्रिएट करती हूँ। आप लोग कई जगह या कई वीडियो में देखे होंगे कि सबसे पहले लिपस्टिक लगाने के पहले लोग आउटलाइनिंग करते हैं, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो उनको यही एडवाइस करूँगी कि पहले आउटलाइनिंग ही करें फिर लिपस्टिक का फिल करें। फिर क्योंकि इससे क्या होता है ना कि जो लिप्स होता है वो उसका जो शेप होता है वो बहुत अच्छे से आता है अगर आप उसका आउटलाइनिंग करके लिपस्टिक फिल करेंगे तो। लेकिन मुझे ऐसे ही लगाना पसंद है। तो मैं यहाँ पे मेकअप कंप्लीट करती हूँ और आप लोग फाइनल लुक देखिए। सो होप आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आप मेरा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा मेकअप कैसा लगा आपको। और ये भी बताना कमेंट करके कि अगर आपको मेरा मेकअप का और भी वीडियोस चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।